हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा। टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से डिजिटल लिटरेसी की एक्सरसाइज नंबर 3 लेके मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 में हम लोग चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। इसमें हमने एक एक्सेल शीट बनानी है जिसके अंदर हमें ये टेबल दिया हुआ है जो हमने एज इट इज़ बनाना है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें एरियल ब्लैक फॉन्ट यूज़ करना है टेक्स्ट के लिए, और फार्मूलाज अप्लाई करने हैं जो कि सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेगा, और लास्ट कॉलम में फार्मूला अप्लाई करके हम टोटल प्राइसेस जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट रो में यहाँ पर हम लोग टोटल सम कैलकुलेट करेंगे, और 7th स्टेप पे हम लोग बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे टेबल पर, और फाइल को सेव करके इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देना है। चलते हैं हम लोग एक्सेल की तरफ। एक्सेल हम लोग फाइल ओपन कर लेंगे, और ये इस फाइल पीडीएफ फाइल को हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं, और साथ साथ इस टेबल को देखकर हम लोग टाइप करते हैं। चले जी, हम लोग फर्स्ट कॉलम से इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने लिखना है 5.5% सेल्स टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने लोगों ने लिखना है 0.055, और उसके बाद हम लोगों ने ये लिख दिया ब्लूमिंग बेल्स नर्सरी, ये हमने एज इट इज लिख दिया नर्सरी। और इसमें हम लोगों ने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट कर कर मर्ज एंड सेंटर कर देना है। उसके बाद पहले हम लोग डाटा फीड कर लेते हैं, फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें आपने लिख दिया नेक्स्ट आइटम लिख दिया, ये है आपका कॉर्नफ्लावर, सन डाउन, ठीक है। कॉर्नफ्लावर सन डाउन के बाद फोर वे सॉयल एनालाइजर, एनालाइजर लिखा आप लोगों ने। उसके बाद आपने लिखा लाइट वर्क्स गार्डन किट, लाइट्स वर्क गार्डन किट, और नेक्स्ट आप लोगों ने लिख लिया फर्ट अगेन, ठीक है। इस विंडो को हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है। फर्ट अगेन के बाद है स्पेनिश पॉट, BLU स्पेनिश BLU, और लास्ट में हमारे पास है ग्रैंड टोटल। ये वैल्यूज हम लोगों ने लिख दी। हम लोग इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए यहां से आप लोग कर्सर को ड्रैग करके आगे ले जाएं। उसके बाद आइटम के बाद यहाँ पर आपके पास है प्राइस, उसके बाद है आपका सेल्स टैक्स, और उसके बाद है यहाँ पे टोटल। उसके बाद प्राइस 9.99 है, उसके बाद है 49.99 है, उसके बाद 24.50, और उसके बाद 8.25 है, और 9.95, 9.95 ये वैल्यूज आपको दी हुई है। उसके बाद सेल्स टैक्स और टोटल जो है हम लोगों ने फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये वैल्यूज हमारे पास हो गई, और हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारा सेल्स टैक्स जरा ये हम लोगों ने फीड कर लिया। अब हम इस विंडो को मैक्सिमाइज कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करके हमने मर्ज कर दिया। इसका फोंट हमने एरियल ब्लैक करके फोंट साइज 12 करना था, एरियल ब्लैक, और फोंट साइज यहां से हमने इसका 12 कर दिया। बल्कि हम लोग ये पूरे टेबल को ही सिलेक्ट करके यहां पर इसका फोंट साइज 12 कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अराउंड बॉर्डर अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आप लोगों ने ऑल साइड्स बॉर्डर, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें, ठीक हो गया। और एक काम और करते हैं कि इन तीनों कॉलम्स को इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं और इनकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि आपने इनके साथ, बल्कि ये सब इतने एरिया को, इतने सेल्स को सिलेक्ट कर लें, और इसमें करेंसी यानी डॉलर साइन शो करना है। तो आप लोग यहाँ पे जाओगे जर्नल में, करेंसी करेंसी डॉलर साइन यूज करेंगे, इसके साथ ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी आ जाएगी।
अब हम लोगों ने सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है। सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला को स्टार्ट करेंगे इक्वल साइन से। इक्वल टू हमारी जो प्राइस है उसका 5.5%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, स्टेरिक यूज करेंगे और 5.5 लिख के स्लैश 100 लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला आ गया 0.5। और हम इस फार्मूला को बाकी सेल्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ से फिल हैंडल की मदद से ड्रैग करके बाकी सेल्स में इस फार्मूला को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हम लोग दोबारा उस पीडीएफ फाइल पर आते हैं और चेक कर लेते हैं पीडीएफ फाइल हमारी कहाँ पर है, कहाँ पर है हमारी पीडीएफ फाइल है यहाँ पर। और ये ठीक है, 0.55 सेम यही वैल्यू आ गई। अब इसका टोटल करना है। अच्छा, एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट था और आपका वो फ़ॉन्ट साइज यही 12 ही था, राइट। दोबारा हम लोग अपनी एक्सेल की फाइल की तरफ आते हैं। अच्छा, अब टोटल कैलकुलेट करने के लिए तीन वेज है हमारे पास। मैं तीनों तरीके बता देती हूँ, आप इनमें से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। एक तो इजिएस्ट वे है, हम लोग सम का फंक्शन यूज कर लेते हैं, इक्वल टू एस यू एम सम, पेरेंथेसिस की ब्रैकेट लगाएंगे और इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, हमारा सम ये वैल्यू आ जाएगी, एक तरीका। बाकी आप लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करके बाकियों में इस वैल्यू को, इस फार्मूला को कॉपी कर लें। यहाँ पे भी हमने ग्रैंड टोटल करना है, चाहे सेम वही वाला मेथड यूज कर लें इक्वल टू सम, या आप लोग यहाँ पर ऑटो सम भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने इन सब वैल्यूज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये ऑटो सम का फंक्शन है, आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा वही चीज़ सम का फंक्शन यूज कर सकते हैं, सम ब्रैकेट लगाई आपने पेरेंथेसिस की और ये वैल्यू सेलेक्ट की और यहाँ से आपने इसको एंटर कर दिया और इस फार्मूला को यहाँ पर हम लोग कॉपी कर देते हैं। ठीक हो गया, और इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं। सेव हम लोग इसको करेंगे पीसी में, डेस्कटॉप में, एक्सरसाइजेस फोल्डर है उसके अंदर करते हैं और इसका नाम रखते हैं हम लोग DGL Exercise 3, और हमने इसको सेव कर दिया। अगेन ये सुन लें, यहाँ आप लोगों की असाइनमेंट कंप्लीट है। ठीक है, हम लोग इसको रिस्टोर करके अगेन इसे टैली कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा देनी है। होप सो कि आपको इस एक्सरसाइज का पता चल गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आप लोगों के साथ फिर से आऊंगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।